अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मॉडर्न हकीम हुसैन यासीन। नाज़रीन, आज हम जिस जड़ी बूटी की आपको शिनाख्त कराने लगे हैं इधर, वो बड़ी कीमती बूटी है मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले तो कभी इसको यूज़ भी नहीं किया हुआ कहीं भी किसी ने भी, और इसको खाने पीने वाली चीज़ों में तो डालते नहीं हैं। तो ये मेरे ख्याल में कीमियागरी के यूजेज वाली इस बूटी है, और आज मैं इसको यूज़ भी करने लगा हूँ, फिर मैं उसका रिज़ल्ट भी बताऊँगा। लेकिन अगर आपको इसका नाम एग्जैक्टली आता है तो ये आप इसका नाम बता दीजिएगा, तो उम्मीद है कि आप में से कोई ना कोई कमेंट करके, कोई अहले इलम हमारे होंगे व्यूअर्स, तो वो ज़रूर बता देंगे। तो ये है जी, चलते हैं। लेकिन पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलें जी, ये देखें जी, ये है जड़ी बूटी। इसका नाम दोदक ही सुना हुआ है वैसे, ये दोदक ख़ानदान की है। ये देखें, ये बहुत बड़ी लंबा इसका पौधा हो जाता है। वो देखें जी, वो ऊपर जाके इसकी ये नज़र आ रही है शाखें सी, और इसके ऊपर ये मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ कि ये कैसे इसके बने हुए हैं। ये देखें जी, ये और इसके पत्तों की शनाख्त देखें, और अगर आप गौर से देखेंगे तो नाज़रीन आपको इसके ऊपर कांटे नज़र आएंगे, जो कि बड़ी अजीब सी बात है, कांटेदार जो है दोदक। ये देखें जी, ये आपको इसके ऊपर नाज़रीन कांटे भी नज़र आ रहे होंगे, तो ये दोदक कांटों वाली बूटी है। और इसका दूध जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये इसके अंदर से मिल्क आना शुरू हो गया है। ये जड़ी बूटियों की मैल की चाय लगी हुई है। तो ये देखें नाज़रीन, ये जो है इसके ऊपर गर्द डस्ट जमी होती है वो लगी। नाज़रीन, ये इसके अंदर से दूध आना शुरू हो गया है, और ये देखें जी, ये इसके अंदर से भी आ रहा है। तो ये भी एक मिल्की प्लांट है, दोदक, दोदक इसको बोलते हैं। आप आगे पता नहीं ये कौन सी वाली दोदक है, ये मुझे भी नहीं पता। तो ये इसके कांटे आप देख लीजिए गौर से, और अगर तो आप इसका नाम आता हो तो बता दीजिएगा। ये इसका कद काठ देख रहे हैं आप, काफ़ी लंबी बूटी है ये। ये देखें जी, ये चीज़ है, ये भी उसी का पौधा है। ये वाले दो पौधे भी उसी के हैं, और ऊपर जाके ये देखें क्या लगा होता है। ये पौधा काफ़ी लंबा होता है, और दोदक इसका नाम है। अगर आप आपको ये पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।